Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 6, what is MS Vethas of book Golden Race. Till now we have read India is an intellectual country, still we are lacking far behind many developed countries due to some social behavior. So in the first point we have learned about how noise pollution is one of the reason behind that. Now let's continue to the second point, travel by public transport. We all travel by public transport, train or bus, and have had many bitter and sad experience. Orderly queue system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train bus is rarely followed. So humne kabhi na kabhi public transport mein travel kiya. Public transport matlab jaise train, bus, aur kafi bitter, kafi kadwe experience, काफ़ी बुरे और कड़वे एक्सपीरियंस हमने फेस किए होंगे. ऑर्डरली क्यू सिस्टम मतलब क्यू में खड़ा होना, लाइन में खड़े रहना, जब बस की टिकट ले रहे हो या बस में चढ़ना हो या उतरना हो, ऐसे रूल्स तो हम फॉलो नहीं करते और ना हमने किसी को फॉलो करते देखा होगा. एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट द जेन्युइन राइट ऑफ अदर्स. सब अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब अपने फ़ायदे के लिए जो दूसरों के राइट्स हैं वो छीन लेते हैं, मतलब उन्हें हवा में उड़ा देते हैं. दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट वुड वेरी रिलेक्टेंटली परमिट अदर टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट. जो ऑलरेडी किसी सीट पे बैठे होते हैं वो मुश्किल से ही मतलब रिलेक्टेंटली मतलब बहुत ही काफ़ी बेमन से होता है कि वो किसी को अपने साथ वाली सीट पे भी बैठने दे. मतलब हम अगर एक सीट बैठे हों तो हम ऑलमोस्ट दूसरी सीट भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि उस पर कोई बैठ ना पाए. व्हेन दे डू सो दे ग्रैब आउट हाफ ऑफ द वेकेंट सीट ऑल्सो. और जब ऐसा करते हैं वो दूसरी सीट का हाफ पार्ट भी अपने अंडर ले लेते हैं. द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वन रेयरली स्टीयर देम. उनके दिमाग में कभी कभार ऐसा ख्याल आता है कि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दें. सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल विथ टबैको. कुछ लोगों को आदत होती है कि पान चबाने की आदत होती है तंबाकू के साथ. दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. वो यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते पब्लिक प्रॉपर्टी की. दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस. वो भूल जाते हैं उन्होंने सिर्फ ट्रैवल करने के पैसे दिए हैं, उसे ख़राब करने के नहीं. दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेर एवर दे सो डिज़ायर. वो हर जगह कचरा फेंकते रहते हैं और सामान छोड़ जाते हैं जहाँ उन्हें जैसा सही लगता है. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेज एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज एंड टेल अपॉन आवर हेल्थ एंड वेगर. सो जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, पब्लिक प्लेसेज हैं, मतलब जो नॉर्मल जगह हैं, मार्केट है, तो वो सारी जगह लिटर्ड होती है, मतलब काफ़ी कचरा फैला होता है क्योंकि लोग अपनी चीज़ें वहीं फेंक जाते हैं या भूल जाते हैं या छोड़ जाते हैं और इस वजह से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है. इंस्पायर्ड ऑफ द स्टैट्यूटरी वार्निंग स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीड़ीज. आपने जैसे देखा होगा कि जो सिगरेट और बीड़ी होती है उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. फिर भी लोगों के खरीद और बिक्री में सिगरेट और बीड़ी के कोई कमी नहीं दिखाई गई है. द पिटी इज दैट स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम. और सबसे बुरी बात यह है जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो अपने एन्जॉयमेंट के लिए आसपास के लोगों का भी ख्याल नहीं रखते. समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग. पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म. सो जो आसपास के लोग होते हैं वो उनके लिए ब्रीद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस धुएं में. और जो पैसिव स्मोकिंग है मतलब जो सिगरेट पी रहा है उसके अंदर तो धुआं जा ही रहा है, पर जिसके आसपास वो सिगरेट पी रहा है उसके अंदर भी धुआं जाता है, मतलब वो इनडायरेक्टली स्मोक ही कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग और वो ज़्यादा हार्मफुल होती है. नाउ द थर्ड वन ट्रैफिक सेंस. वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली.
Violation of traffic norms and driving rashly are considered sign of gallantry, though when required, such gallant prove to be worst cowards. So, जो roads हैं वो हमारे लिए ही बनाई गई हैं ताकि हम उसका use कर सकें, travel कर सकें. पर जो traffic rules को तोड़ना और बुरी तरह तेज़ drive करना, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये एक gallantry है, मतलब कोई बहादुरी का काम है. पर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये जो बहादुर लोग हैं वो बहुत ही डरपोक साबित होते हैं. द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड. जो अभी के आजकल की यूथ है, जो आजकल के जवान लोग हैं, उन्हें लगता है कि तेज़ गाड़ी चलाना बहुत ही गर्व की बात है. दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड वेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, when to take a turn, obeying the traffic signal, keeping the vehicle in order and smokeless, driving in proper lane, etc. वो basic norms, मतलब basic जो rules होते हैं driving के, उनको एकदम ignore कर देते हैं, avoid कर देते हैं. जैसे कि कब उन्हें overtake करना चाहिए गाड़ी को, कब turn लेना है, कैसे turn लेना है, traffic signals को obey कैसे करना है, व्हीकल्स को ऑर्डर में कैसे रखना है, मतलब आपको गाड़ी के पीछे चलाना है, कैसे लेन में रहना है, मतलब किस लेन में रहना है. जैसे आप लेफ्ट चलाते चलाते राइट में ना चले जाओ, तो ये सब वो इग्नोर कर देते हैं. द रिज़ल्ट इन डेंजर टू लाइफ. और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है. इन अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो अदर मूविंग अराउंड. ये जो है वो उनको तो अफेक्ट करता है, ये जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, पर जो उनके आसपास गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है. इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट द इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी अ सेंसिटिव बींग. सो जो ये रोड है इसके ऊपर जो मूवमेंट है गाड़ियों का इतना कहते हैं कि ड्रेड हो चुका है, इतना अनसेफ हो चुका है, जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है. God knows what calamity may happen next moment. भगवान ही जानता है कि अगले ही पल क्या कैलैमिटी, क्या डिज़ास्टर आ जाए. द पिटी इज़ देर इज़ नो कंट्रोल और एनी सच थिंग्स. और सबसे बुरी बात है कि इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है. मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बींग्स. जो ज़्यादातर गाड़ियाँ वो इतना धुआं छोड़ती है कि आसपास के लोगों के रहना मुश्किल हो जाता है. पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोड विद वेरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट. जो लोग हैं वो अपने गाड़ियों पे इतना सारा सामान भर देते हैं, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सामान जितना वो गाड़ी झेल सकती हैं, और आसपास के लोगों को रिस्क में डाल देती हैं कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है उसका. दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वॉन्ट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स. और वो कभी भी किसी भी वक्त भी गाड़ियों को ओवरटेक कर लेते हैं उनकी मर्ज़ी के हिसाब से. एंड दस प्लेइंग द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल. और इस तरह वो जो इनोसेंट पीपल है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी लाइफ से भी खेलते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर. गो थ्रू इट अगेन. वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.